अपने चाहने वालों की
खुश आमद है, आमद है, खुश आमद है, आमद है, मालिकाए जहान की खुश आमद है, आमद है, खुश आमद है, आमद है।
समझ दिल से मेरे जहर तला निकलेगा, चीर कर दे शराफत से भरा निकलेगा। मजहबी दीवाने जो जानकर दुनिया की खुशियों से बेजार है, तेरी एक वहां पर शाही मेहरबानियों का बादल इज्जत दौलत और रहम की बारिश के लिए तैयार है। चार दिन है शान शौकत का हमार, मौत की कुर्सी नशा तेरी उतार, जब उठाएंगे जनाजा मिलके यार, हाथ मल मल कर कहेगा बार बार, किस लिए आए थे हम क्या कर चले, जो यहाँ पाया यही सब घर चले। मासूम शहजादे को तुम कसाबों के पंजे में सिवा होने के लिए दे दू, रहम और इंसाफ के गले में छुरी भेज दू, तब तो ताज के लुटेरों की तहसीब करूं, नहीं वफादार तौफीक से ऐसा कभी ना होगा। तुझे ऐसा जरूर करना पड़ेगा। क्यों? हमारा हुक्म। तेरा हुक्म कोई खुदा का हुक्म नहीं, मैं शाही हुक्म देती हूँ। मैं शाही से भी इनकार करता हूँ, तीर और तलवार और तवर नेजा और खंजर बरसे, जहर खून आग मुसीबत के समंदर बरसे, खत्म हो जाए हर एक रंज और मुसीबत मुझ पर, मगर ईमान को तुम भी छोड़ दो लानत मुझ पर। ये जान एक है मगर बात है और सुबह एक है। लानत है जो तुझको अब मैं जिंदा छोड़ दूं। No!
मौत से कौन लड़ सकता है? ओ किस्मत और मेरे मौत, मासूम सोहेल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम दोनों ने मिलकर तबाह किया? आप तसल्ली रखे, जब तक मलिका आलम सलामत है उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती, वो खुद शहजादे की हिफाजत का पूरा इंतजाम करेगी। कौन इंतजाम करेगी? उसकी संदिग्ध खूबी जरूर बर खिलाफ होती है। तो क्या वो ताज भी पहन चुकी, तख्त पर बैठ चुकी? जी हाँ, मुल्क की मर्जी से, ना कि अपनी खुदगर्दी से। अफसोस, खुदा और इंसाफ के होते हुए एक मासूम के हक पर तख्त डाला गया है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जरूर ऐसा ही हुआ। पढ़ कर लो कि ऐसा ही हुआ है तो हुकूमत और अदालत के सामने कौन सर उठा सकता है? मेरी निगाह में तो आज ऐसा एक भी आदमी नहीं है। नहीं, जरूर है। मेरा शोहर टॉपी। तो क्या आप ये यकीन से कहती हैं? यकीन और साथ ही जरूर से कहती हूँ। अच्छा, क्या आप इस दंपति को पहचानती हैं? मतलब ये कि आपके शौहर भी मलिका के तरफदार बन गए हैं। ओ खुदा, अगर तौफीक जैसे फरिश्ते पर भी दौलत और लालच का जादू चल गया तो मालूम हुआ कि ईमान इस बरेली दुनिया पर लानत करके निकल गया। कहिए, अब तो आपको यकीन हुआ कि आपके शौहर? ये क्या?
तलाबाज की बातें सुनकर इससे भी ज्यादा कहती तो मैं निहायत खुश होता। मेरे दोस्त जनरल के अरमान की दिलाई। ना घबराओ, जनरल कहरमान ने हमें काफी मदद देने का वायदा किया है। हमने निशाने बगावत बुलंद किया है। बस मैं पहुंचा कि जम छिड़ी। हाँ, अब मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ।
तुमको चलेगा, क्या दुश्मन उसे पहचान न लेगा? Yes.
मुझे शराफत आपका हुक्म सुनने से मना करती है। माफ कीजिए, बुजदिल वो है जो मर्द होकर एक औरत पर हाथ उठाता है। बस मैं नमक हराम नहीं हूँ, मैंने आज तक आपके पसीने पर अपना खून बहाया है, लेकिन मजबूर हूँ, खुदा ने हाथ औरत के लिए नहीं बल्कि मर्द के लिए बनाया है। तो क्या तू मेरा हुक्म बजा ना लाएगा? जो शरीफ और बहादुर सिपाही है वो मर जाएगा, मगर मरती हुई औरत पर कभी हाथ ना उठाएगा। मेरे खंजर का निशाना कहाँ है? वो है जहाँ
Thank you.
बचाने वाला तो वो परवरदिगार है। मेरे बचाने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं आया? यूं तो कोई तक नहीं आया, पर हाँ दिल के अंदर जो तक लगा है उसकी खबर नहीं। तेरे प्यार में दिल धड़कने लगा, ऐ मजनू लगा, ऐ मेरी जान जा, तुझको क्या है खबर। तेरे प्यार में दिल धड़कने लगा, ऐ मजनू लगा, देसी सिपाही हूँ। यहाँ किस लिए तशरीफ लाए हैं? एक अदद पीने के लिए आए हैं। मैं समझती क्या हूँ? हाँ, शादी के तलाकदार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बड़ी होशियार हैं। किसके लिए? जी राधा। हाय। मुंगले तक बिना पाया थके तो गुल उड़ गया, रह गया तुझका बच्चा तो फल गुल उड़ गया। मुझे माफ कीजिए, मैं जल्दी में आपका शुक्रिया अदा करना ही भूल गई। लेकिन भूलना चाहिए, कहीं हमें दिल से ना भूलना देना। तेरे प्यार में दिल धड़कने लगा, ऐ मचलने लगा, ऐ मेरी जान जा, तुझको क्या है खबर। तेरे प्यार में दिल धड़कने लगा, मेरी उम्मीदों की दुनिया में अंधेरा हो गया। अरे भाई अब घर चलो, यहाँ तो सवेरा हो गया। क्या जाने मोहब्बत क्या चीज है, चांद रात को और सूर्य सुबह को नजर आएगा, मगर दुराने चेहरा फिर कब दिखाई देगा। तेरे प्यार में दिल धड़कने लगा, ऐ मचलने लगा, ऐ मेरी जान जा, तुझको क्या है खबर। तेरे प्यार में दिल Thank you.
गिरफ्तारी का काफी बंदोबस्त किया गया है। उसकी तलाश में गश्ता सिपाही का चारों तरफा रवाना किया है। मैं वफादार होने का किस तरह वादा कर सकता हूँ जिसमें भाई भाई का बेटा बाप का दुश्मन हो रहा है, दोस्त दोस्त से भाई बहन से बदसन हो रहा है, लेकिन मैं कौन हूँ, क्या हूँ और अपने मोहसिन के लिए क्या कर सकता हूँ, ये आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तुम पर हर तरह भरोसा है। मुझे अपनी कामयाबी की उम्मीद है। सुल्ताना, अब तो आपको अल्लाह और हुकूमत दोनों चीजें हासिल हो गई हैं। अब तो अपना वादा पूरा कीजिए। कौन सा? मुझे शादी का। शादी? शादी क्या है? शादी किसी की जिंदगी है। क्या तू ये चाहता है कि जिस गम से मैंने अभी अभी आजादी हासिल की है मैं उसी में मुब्तला हो जाऊं और अपनी आजाद तबीयत को फिर शादी की कैद में फंसाऊं? लेकिन तुम अपने वादे के मुताबिक मैंने शादी का वादा किया है। सुन्नत कहर बन के अगर कहरवान हूँ
इसलिए मैं अपने आका तुगरलबे की तरफ से ये मोतियों का हार और मुबारकबाद कहने आया हूँ। लेकिन तुम्हारा यहाँ क्या काम है? सुनो, मैं भी अपने आका शहरयार की तरफ से आया हूँ और ये फूलों का हार नजराना लाया हूँ। अब जा और मुंह को ना करो, तस्वीर तेरे फूल के हार पर नजर नहीं आएगी। हाय हाय, होश कर, तेरे मोतियों के हार को खबर से उड़ाएगी। अबे कहाँ ये सच्चे मोतियों का हार और कहाँ तेरा ये फूलों का हार? औरत उस चीज को ज्यादा पसंद करती है जिसमें से सच्ची मोहब्बत की बू आती है। जा जा अपना काम कर। अच्छा तो तू जानता नहीं मैं शायर का बेटा हूँ? अच्छा तो मैं मुद्दा तब फिर दोस्ती कब पर रहता हूँ? अच्छा तो तू शायर है तो मेरे मिसरे पर मिसरा लगा। अच्छा तो फिर सुना। सुन, बुलबुल की अखड़ियों में बगे गुल की फांस है। बुलबुल की अखड़ियों में बगे गुल की फांस है। शायर के भेजे में थोड़ा सा गोबर, थोड़ा सा भूसा, थोड़ी सी घास है। अबे तुमने मिसरा मिसरा लगा। अच्छा तो फिर वो भी सुना। सर, कल शाम को मुझे ख्वाब में उल्लू नजर आया। कल शब को मुझे ख्वाब में उल्लू नजर आया, आंखें जो मेरी खुली तो सामने तुझे नजर आया। याद है भैया, खुदा जाने शायद तुझे उल्लू का पटके ने बनाया। क्यों बच्चा, काफी अतल हो गया? अच्छा तो फिर मैं चला।
चांदी बदनसीब ताहिरा, दिन रात दीवाना वार जंगलों और पहाड़ों में भटकती है। Thank you.
मेरे प्यार के शोलों को आन हवा देती है। शहर यार तस्लीम मेरी है उसके हुस्न का जमाल मैं तेरी मोहब्बत को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं तुझसे अपनी इस बेइज्जती का खौफनाक इंतकाम लूंगा। किसने भेजी है ये भले का
यही जिद यही वतीरा अगर है तमशार होगा फिर ना बाकी ये गला रहेगा और ना बाकी ये हाल होगा। जानू में पहुंचा दो।
है दिल अब ये मेरा। Thank you.
यही है मगर की दीवार जहाँ जहाँ हमारा राजा सुहेल कैद है। तो सब कीजिए, इस तरफ की
आसमान
स्वागत करता हूं आपकी तरफ से। इस बार मैं आपको प्रस्तुत करूंगा खूबसूरत तरह।